स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न से दोस्तों। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये है, यहाँ पे दोस्तों ये है, ऐसा है कि देखिए बहुत जल्दबाजी में आपके लिए ये क्लास लेकर आ रहा हूँ, मतलब कि ये सीक्वेंस जो है यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। तो बता दूँ 30 क्वेश्चन है और सीक्वेंस जो है इधर उधर है, तो आप ज़रूर है जो सीक्वेंस पे ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा, है ना। जोंग सोंग जो चोटी है ये किस राज्य में स्थित है, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, सिक्किम होगा या पश्चिम बंगाल होगा या मणिपुर होगा या नागालैंड होगा। मेरे दोस्तों ए ऑप्शन लॉक कर दो, सिक्किम को राइट आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। सभी भाई बहनों का सिक्किम होगा जो भी यहाँ पे ए ऑप्शन बता रहे। दोस्तों अगर बात करें इस पर्वत की लंबाई की, मतलब कि ऊंचाई की, सॉरी इस पर्वत के ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कुल है दोस्तों 7462 मीटर, ठीक है। कितनी है, 4462 मीटर है और ये विश्व का 57वां ऊंचा पर्वत ऐसा माना जाता है, ये फिक्स नहीं है लेकिन कहा जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ये प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है, भारत का प्रश्न है। देखिए भारत में कौन सा स्थान केसर के लिए, केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, भारत का कौन सा स्थान जो है केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सिक्किम होगा, असम होगा या फिर आपका जम्मू कश्मीर होगा या मेघालय होगा। मेरे दोस्तों जैसे कि केसर जो गुणवत्ता पूर्वक हो और रंग स्वाद विश्व के सर्वोत्तम माना जाता है, वो माना जाता है आपका जम्मू कश्मीर का केसर माना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और कश्मीर एक छोटे से क्षेत्र पंपोर में अधिकतर केसर की खेती की जाती है। अब आपसे एक और प्रश्न करता किया जाता है कि भाई कौन से गांव में या फिर कौन से क्षेत्र में, तो पंपोर नामक क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे पंपोर नामक क्षेत्र से चलेगा। अगला प्रश्न, भारत के 90% हीरे किस शहर में प्रसंस्कृत किए जाते हैं, बड़ौदा में, मुंबई में, सूरत में या फिर है जो जयपुर में। जयपुर तो होगा नहीं साहब, है ना। देखिए हाँ राजस्थान में प्रसिद्ध है लेकिन यहाँ पे पूरे इंडिया की बात करें तो आपका सूरत जाएगा राइट आंसर। प्रसंस्कृत होते हैं तो आपका सूरत होगा। गुजरात का सूरत शहर जो है हीरे की कटाई और पॉलिशिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है ना। और वैसे अपने राजस्थान में जैसे कि हीरा और पन्ना के लिए जयपुर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न जो है 131 आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से ओजोन परत किसमें पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में, मेसोस्फीयर में, आयरोस्फीयर में या ट्रोपोस्फीयर में। दोस्तों बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, राइट आंसर क्या जाएगा, मतलब कि यदि आपने पहले से पढ़ा है तो बड़ा याद रहने योग्य प्रश्न है और ए ऑप्शन आपका जाएगा राइट आंसर, लॉक कर लीजिएगा इसको। देखिए दोस्तों जो भी प्रश्न बता रहा हूँ वो ये आप यहाँ से लॉक कर लेना, मतलब भूलना मत, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हीराकुंड जो जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पे स्थित है, ये बताना है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इससे सिंपल क्या हो सकता है, राजस्थान भारत जीके में। हीराकुंड जो है ये परियोजना किस नदी पर स्थित है, चंबल पे तो अपने पढ़ा नहीं साहब, अब ये तो अपने पढ़ा नहीं, ये तो श्योर है हम, है ना। तो तीनों में से कौन सा होगा दोस्तों, तीनों में से आपका सी ऑप्शन राइट होगा, महानदी। हीराकुंड बांध जो है महानदी पे बना हुआ है। इसके बारे में अपन और भी बात करें तो देखिए ये जो बांध है ये ओडिशा में बना हुआ है मेरे दोस्तों, महानदी पर ओडिशा में बना हुआ बांध है, ठीक है। और यह विश्व के सबसे बड़े बांधों में से है, है ना। इस बांध का निर्माण 1948 में हुआ था दोस्तों, निर्माण की बात करें तो 1948 में हुआ था। चलिए और बनकर तैयार कब हुआ, 1957 में, ये भी याद रखना, 1956 बनकर तैयार हो गया था। चलिए अगला प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है, 136 नंबर की। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है, यह भी अच्छा प्रश्न है, देखिए ध्यान से। भारत का पहला एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में किस स्थान पर है, ये बताना है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, कार निकोबार तो होगा नहीं, बेरन द्वीप आपका हो जाएगा दोस्तों, बेरन द्वीप बिल्कुल। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, वापस से देख लेते एक बार कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है ना ये बेरन द्वीप में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और ये भारत का एकमात्र ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और यह दक्षिण एशिया का एकमात्र
चिन्हित ज्वालामुखी है। दोस्तों अगले प्रश्न पर देखते हैं कैसा आता है। लो साहब बड़ा अच्छा प्रश्न है, जो जिला दर्रा जो है देश के किस राज्य में स्थित है ये बताना है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अगर बड़ा अच्छा प्रश्न है तो जवाब देंगे सभी भाई भाई ने। देखिए जो जिला दर्रा जो है आपका जम्मू कश्मीर में है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, सभी का राइट आंसर जाएगा दोस्तों। ठीक है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया ये बता दीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है तो दोस्तों 14 तो होगा नहीं, ठीक है 17 भी नहीं, 16 भी नहीं होगा, 17 तो होगा होगा साहब। ठीक है अगर दोस्तों बात करें जोन की तो 17 होगा। अब बात करें कि भारतीय रेलवे की स्थापना की तो भारतीय रेलवे की स्थापना की बात करें तो ये हुई थी आपके 1845 में। ठीक है डेट बताऊं क्या तो 8 मई याद रखना। ठीक है हाँ तो डेट को बड़े अच्छे से याद रखना, स्थापना जो है 1845 8 मई को हुई थी। और दोस्तों जो भारत में रेल नेटवर्क की कुल लंबाई है ना, रेल नेटवर्क की तो 121,000 से भी ऊपर लगभग है ना, 121,000 से ऊपर लगभग दोस्तों, ये याद रखेंगे इतना। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न कैसा है साहब, ये भी अच्छा प्रश्न है, भूगोल का प्रश्न है, जरा ध्यान देंगे। भारत में क्या पूछा है, भारत में हाँ देखिए भारत में किस राज्य द्वारा रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है ये बताना है। तो मेरे दोस्तों बड़ा अच्छा प्रश्न है, असम तो होगा नहीं है ना, असम नहीं होगा तो केरल हो जाएगा क्या, बिल्कुल केरल हो जाएगा साहब, भी ऑप्शन को लॉक कर लेना सभी प्यारे भाई बने। जो भी भाई बने केरल बता रहे उनका राइट भी होगा, रबड़ उत्पादन के लिए सर्वप्रथम बात करें तो केरल, और केरल में लगभग 90% अकेला केरल जो है ना इसका क्या करता है, उत्पादन करता है भारत में केवल, और रबड़ उत्पादन के अंतर्गत 5.45 हेक्टेयर क्षेत्र आता है इस रबड़ के क्षेत्र में। ठीक है ना चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र किस स्थान पर स्थित है ये बताना है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र किस स्थान पर स्थित है, हैदराबाद में, चेन्नई में, बंगलोर में, कोच्ची में। मेरे दोस्तों चेन्नई को लॉक कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है देखिए मैं जानता हूँ कि आपको इतना नॉलेज नहीं होगा इंडिया जीके का, लेकिन आप यहाँ से क्लियर करेंगे ये आपसे आशा रखूंगा। चलिए तो देखिए दोस्तों स्थापना की गई थी 1998-99 में, ठीक है 98 में 98 99 में। तो दोस्तों यह तमिलनाडु में स्थित है, मतलब कि तमिलनाडु में ही है ना ये चेन्नई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं कैसा आता है ये प्रश्न दोस्तों, और ये प्रश्न ही भी बड़ा शानदार सा है कि भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया, भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया, 1948 1951 1953 1956। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ 1948 हो जाएगा। ठीक है पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया, और ये किया गया दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना के नाम से, ये सबसे पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, प्रोजेक्ट था दोस्तों। ठीक है और इसके दामोदर घाटी कॉरपोरेशन की स्थापना 1948 में की थी दोस्तों, कॉरपोरेशन की जो स्थापना की 1948 7 जुलाई को की गई थी। इसका दोस्तों यदि आप लिख रहे हैं ना तो ये लिख लेना कि दामोदर घाटी कॉरपोरेशन की स्थापना, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन की स्थापना 7 जुलाई 1948 को की गई। ठीक है ना चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान देंगे जरा। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, गन्ने के रूप में दोस्तों भारत विश्व में क्या स्थान रखता है, अपना पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो मेरे दोस्तों गन्ना उत्पादक में भारत विश्व में आपका दूसरा स्थान रखता है, याद रखेंगे। और वैसे भारत से भी पहला स्थान कौन सा है, मैक्सिको है साहब, मैक्सिको सबसे फर्स्ट में है ये गन्ने के उत्पादन में पूरे विश्व में। ठीक है और इसके बाद वैसे ब्राजील भी है, ठीक है और चीन भी है, थाईलैंड भी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी,
बड़ा शानदार सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे 1948-52-62-68। देखिएगा, पहली राष्ट्रीय वन नीति भारत सरकार ने, है ना, भारत सरकार ने कब की गई? तो दोस्तों 1952 करेंगे आप। अगर यहाँ पे हम बात करें, भारत सरकार ने थी पहली वन नीति 1952 में लागू की थी, लेकिन दोस्तों ब्रिटिश काल में तो इसकी शुरुआत हो गई थी 1894 में, बोलिए। ठीक है, तो ब्रिटिश काल में इसकी शुरुआत कब हो गई थी? ब्रिटिश काल में 1894 में शुरुआत हो गई थी, लेकिन ये भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में की, और उसके बाद 1988 में कुछ संशोधन हुए, 1988 में कुछ वन नीति में संशोधन भी हुए, ये भी लिखना चाहो तो लिख लेना। अगला प्रश्न 147 आपके स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों, भारत के तीन सबसे बड़े अफीम उत्पादक राज्य कौन से हैं? अफीम उत्पादक राज्य का बताना है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, क्रमशः बताने मेरे दोस्तों। ठीक है, क्या करना है? क्रमशः बताने, ऐसा नहीं कि वैसे सेम ही आ रहे हैं सबके सब। ठीक है, क्रमशः आपको बताना है। सबसे पहले तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, अब मध्य प्रदेश आपका दो में, उसके बाद आपका राजस्थान होगा। चलिए, ये आपका बी ऑप्शन जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन जाएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करें तो दोस्तों राजस्थान की, तो चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक होता है अफीम का उत्पादन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जल्दी से बता देते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहा जाता है? शिवनाथ को, महानदी को, रिहंद को या सोन को? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किसे कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों, महानदी को कहा जाता है, इसे याद रखेंगे, याद रखेंगे, महानदी, हीराकुंड बांध यहीं पे बना हुआ है, इसी पर बना हुआ है दोस्तों। हीराकुंड बांध तो उड़ीसा में है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे, लेकिन नदी यही है आपकी। चलिए, तो ये हो गया आपका, बड़ा अच्छा प्रश्न है। और दोस्तों, महानदी के उद्गम की बात करें तो सियावा से ही होता है उद्गम स्थान। सियावा ये कहाँ पर पड़ता है? ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो इसका उद्गम स्थान, मां नदी का उद्गम स्थान सिहावा छत्तीसगढ़ से है। और इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 858 किलोमीटर है दोस्तों। और भी आंकड़े हैं, लेकिन ये आंकड़ा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, याद रखेंगे 858 किलोमीटर। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे 149। ये आपसे क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देंगे। पारादीप पारादीप बंदरगाह निम्नलिखित में से किस डेल्टा पर स्थित है? रिहंद, महानदी, बैतरणी या फिर इनमें से कोई नहीं? मेरे दोस्तों, ये प्रश्न भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, और इसमें भी आपका राइट आंसर करेंगे महानदी के साथ, बी ऑप्शन। जो भी मेरे प्यारे भाई बहने महानदी बता रहे हैं, उन सभी का राइट होगा। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब देखिए, ये जो पारादीप बंदरगाह है, ये ओडिशा में है, ठीक है, और मान देखिए ओडिशा में महानदी और बंगाल की खाड़ी के समीप ही है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। और इस पारादीप बंदरगाह की बात करें ना दोस्तों, यह बंदरगाह कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1967 को शुरू हुआ था, ये याद रखेंगे क्या? लिख लेना, ये पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है दोस्तों? ओडिशा में है। इसका शुरुआत इसकी कब की गई, ये डेट आपको दे दी है मैंने। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप में स्थित है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, मुझे तो बड़ा शानदार सा लग रहा है साहब। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ये अंडमान है, ठीक है ना, अंडमान है, ये लीजिएगा, ये लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर बी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा, दक्षिणी अंडमान हो जाएगा दोस्तों। बड़ा अच्छा प्रश्न है, राइट आंसर सभी का दक्षिणी अंडमान होगा, ठीक है। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों जो पोर्ट ब्लेयर है ना, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, मणिपुर राज्य के सबसे बड़ा कुटीर उद्योग कौन सा है? मणिपुर राज्य का, ठीक है, यहाँ पे एक वचन, मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग कौन सा है? रेशम कीट पालन या हथकरघा या चमड़ा या फिर पटसन? बड़ा शानदार सा प्रश्न है, राइट आंसर बी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा दोस्तों, हथकरघा हो जाएगा। यहाँ पे लगभग 4 लाख लोग जो है ना, 4 लाख लोग हथकरघा से जुड़े हुए हैं, और अधिकतर यहाँ पे क्या, कौन जुड़ी हुई है? महिलाएं जुड़ी हुई है मेरे दोस्तों। बड़ा अच्छा प्रश्न है, राइट आंसर सभी का हथकरघा हो जाएगा। 159 आपके स्क्रीन पे है, और जवाब देंगे सभी भाई बहन, है ना। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? ये प्रश्न बड़ा नया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न कई बार पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, हथकरघा उद्योग,
सॉरी निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो पारादीप, कलकत्ता, कांडला को या हल्दिया को? इसमें आपका राइट आंसर रहेगा कांडला पोर्ट को, बंदरगाह को। ठीक है, तो दोस्तों देखिए कांडला बंदरगाह जो है ये गुजरात में स्थित है, सभी को बताएं। इसके निर्माण की बात करें ना 1950 में इसका निर्माण हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं 160। देखिए बैतला जो राष्ट्रीय उद्यान है ना ये कौन से राज्य में स्थित है, बस इतना सा बताना है। दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान जो है ना जो उसके लिए एक ट्रिक क्या लेके आ जाए यदि आपके चाहो तो, बिल्कुल आपके लिए एक ट्रिक लेके आऊँगा जल्दी ही। दोस्तों समय अभाव है इसलिए फिलहाल नहीं हो पा रहे, बाकी बहुत सारे जो है ट्रिक से भी लेके आ सकते हैं आपके लिए, है ना। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है ये बताना है, पंजाब होगा, झारखंड होगा, या हरियाणा होगा, या हिमाचल प्रदेश होगा। दोस्तों बेतला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें ना ये आपका झारखंड में होगा, ठीक है। बी ऑप्शन को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। सभी भाई बहनों का राइट होगा जिन्होंने भी झारखंड बताया। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये झारखंड के कौन से जिले में, लातेहार जिले में है, लातेहार जिले में है, ठीक है। और ये पक्षियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से भारत का पहला एक्सप्रेस वे कौन सा है, एक्सप्रेस वे कौन सा है ये बताना है। तो मेरे दोस्तों मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, या फिर अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेस वे, या दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे, या जयपुर किशनगढ़, ये तो होगा ही नहीं साहब, है ना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा बिना टाइम वेस्ट किए, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। दोस्तों ये पहला सिक्स लाइन कहो या लेन कहो हाई स्पीड एक्सप्रेस वे जिसकी लंबाई की बात करें तो 93 किलोमीटर है, ठीक है साहब। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जल्दी से बनेगा आंसर फिर बढ़ेंगे आगे। निम्नलिखित में से दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम जो है ना वो कौन सा है, गोदावरी होगा, कावेरी होगा, कृष्णा होगा, या पेरियार होगा? मेरे दोस्तों जल्दी से बताओ फिर से, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जो भी भाई बने ए ऑप्शन बता रहे, गोदावरी हो जाए, क्या पूछा है। देखिए दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम कहो या फिर नदी कौन सी है या अपवाहतंत्र कौन सा है, तो आप क्या करेंगे, गोदावरी करेंगे साहब। गोदावरी नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 1465 लंबाई है दोस्तों गोदावरी की, ठीक है ना, ये भी याद रखेंगे लिख लेना, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए और दोस्तों ये निकलती है आपकी नासिक से दोस्तों, ठीक है, नासिक से निकलती है, नासिक कहाँ पे, ये महाराष्ट्र में, इसका उद्गम स्थान नासिक से है। अगला प्रश्न उद्गम है, ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है ये बताना है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, तमिलनाडु होगा, ओडिशा होगा, या कर्नाटका, या फिर आंध्र प्रदेश। मेरे दोस्तों ओडिशा को आप लॉक कर देंगे, बी ऑप्शन। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं फास्ट भी बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा कम समय दे रहा हूँ लेकिन आप सभी अच्छे से बताएंगे, है ना। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना ओडिशा के कालाहांडी में स्थित दोस्तों, या ये कहाँ पे है साहब, ये कालाहांडी क्षेत्र में स्थित है। और इंद्रावती बांध एशिया व भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है दोस्तों। चलिए इसकी कुल विद्युत उत्पादन की बात, परियोजना की कुल उत्पादन की बात करें ना तो इसकी 600 मेगावाट क्षमता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा चिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। और हिमाचल प्रदेश होगा, या मध्य प्रदेश होगा, या ओडिशा होगा, या झारखंड होगा, बड़ा शानदार सा प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश को दोस्तों लॉक कर दीजिएगा, जो भी भाई बहन हिमाचल प्रदेश बता रहे सभी का राइट होगा। चिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमालय प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है, कहाँ पे, सिरमौर जिले में स्थित है। और यदि पूछा जाए घाटी तो वहाँ की है पावंटा घाटी है वहाँ की, ठीक है, पावंटा घाटी में स्थित है ये अब उद्यान दोस्तों। चलेगा और आगे बढ़े क्या, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए बड़ा शानदार प्रश्न है, इससे आसान क्या हो सकता है। देखिए भगवान जगन्नाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है, उज्जैन से, या भुवनेश्वर, या पुरी, या हैदराबाद? दोस्तों इससे आसान क्या हो सकता है, बड़ा आसान प्रश्न है ना। और भगवान जगन्नाथ को विष्णु का अवतार माना जाता है, पुरी में स्थित है, सी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा, है ना। और ये ओडिशा के, ओडिशा में, पुरी जो है ये कहाँ पे, ये ओडिशा में है पुरी दोस्तों,
चलिए अब अपन आगे बढ़े। क्या इसके निर्माण की बात करें तो 1161 में इसका निर्माण हुआ था मेरे दोस्तों, याद रखेंगे, बड़ा अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जैसा कि घग्गर नदी को है ना, घग्गर नदी को कहा जाता है पाकिस्तान में हाकरा, उसी प्रकार इस ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है बांग्लादेश में? तो दोस्तों बंसी या महानंदा या फिर जमुना या यमुना, मेरे दोस्तों जमुना नदी हो जाएगा आपका राइट आंसर, सी ऑप्शन जमुना नदी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के भागीरथ ग्लेशियर से निकलती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के भागीरथ ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों, ठीक है, भागीरथ ग्लेशियर से, ये लिख लेना। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर है मेरे दोस्तों, कितनी है 2900 किलोमीटर। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, सिंहभूम राहाती रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये बताना है, सिंहभूम हाथी रिजर्व कंजर्वेशन कौन से राज्य में स्थित है या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बस इतना सा बताना है, राइट आंसर जाएगा झारखंड के साथ दोस्तों, और यहाँ पे आपका झारखंड बी ऑप्शन राइट जाएगा मेरे दोस्तों, बड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है। और जिले की बात करें ना तो जिला है सरायकेला खरसावा, ठीक है, लिख दूं क्या, सरायकेला इसका पूरा नाम है जिले का, सरायकेला खरसावा जिले में स्थित है, और ये रिजर्व 13,400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलिए 13,440 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये क्षेत्रफल है इसका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 174 नंबर, मतलब कि यहाँ पे आपको बस आपने कैसे जवाब दिए हैं, देखिए, भारत में सर्वाधिक हीरे की खदानें किस क्षेत्र में स्थित है दोस्तों, और इनमें से आपको कितने प्रश्न आ रहे थे वो भी कमेंट सेक्शन में बाहर आके जरूर बताइएगा। भारत में सर्वाधिक हीरे की खदानें किस क्षेत्र में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र? जी हाँ, राइट आंसर सभी भाई बहनों का जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन के साथ, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला जो प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है एक सबसे शानदार प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो है दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी और लंबी सड़कों में से एक है, कोई संदेह? पुरानी में कोई संदेह नहीं है। यह किन देशों से होकर गुजरती है? भारत बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, भारत पाक और बांग्लादेश, भारत और भूटान? देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, जो भी भाई बहने सी ऑप्शन बता रहे हैं उन सभी का राइट होगा दोस्तों। इस रोड का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है, तो इसको लॉक कर देंगे इस प्रश्न को दोस्तों, बड़ा अच्छा प्रश्न है। इस मार्ग की कुल लंबाई की बात करें तो 2500 किलोमीटर है दोस्तों, कितनी है 2500 किलोमीटर। इसका नाम क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड है दोस्तों, ठीक है, चलिए याद रखेंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, अब इसका नाम भी चेंज कर लिया गया है, अब ये प्रश्न भी अपन आगे पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। चमेरा बांध किस राज्य में स्थित है? चमेरा जो बांध है ना, ये राज्य के किस, देखिए चमेरा बांध किस राज्य में स्थित है या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पुडुचेरी होगा, उत्तर प्रदेश होगा, हिमाचल प्रदेश होगा या झारखंड होगा? दोस्तों बड़ा अच्छा प्रश्न है, आगे इस प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा जल्दी से। आगे फिर आपकी ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे फिर आपकी आज की क्लास कंप्लीट होने जा रही है ना, तो बिल्कुल 25 मिनट में अपने काफी प्रश्न है जो सॉल्व हो चुके हैं। राइट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, 30 प्रश्न अपन ने कंप्लीट किए हैं, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में दोस्तों, कौन से जिले में? चंबा जिले में, ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, राइट आंसर सभी का होगा। ये रावी नदी पर बना हुआ है, कौन सी नदी पर बना हुआ है? रावी नदी पर बना हुआ है मेरे दोस्तों। अब यहाँ पे आपको पूछा जाए, ये यहाँ पे तीन चरण, जैसे कि परियोजना के तीन चरण है यहाँ पे, ठीक है, और उसमें कुल है जो 1100 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, विद्युत उत्पादन होता है। चलिए दोस्तों तो ये हो गए आपके कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट ये क्लास, और दोस्तों अब मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, उसका आंसर आपको बताना है जल्दी से,
ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न है और राजस्थान जीके का प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपने कितने प्रश्न सही किए इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। राजस्थान की जाखम नदी का उद्गम स्थान जो है वो कहाँ से है दोस्तों, ये बताने जल्दी से बताइएगा, और यदि आप यहाँ पे ना बता सको तो बाहर आके कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, वहाँ पे तो बड़ा आनंद आएगा सब, है ना। और यदि इस नदी के बारे में, जाखम नदी के बारे में और भी कुछ लिखना चाहो विस्तार से तो आपका वेलकम होगा, बड़ा प्यारा सा कमेंट कर लेना आपकी कमेंट्स बॉक्स में, कोई वहाँ पे शुल्क नहीं लगने वाला है ना। तो क्लास भी आपको कंटिन्यू दे रहे हैं जैसे तैसे टाइम निकाल के, हमारा भी तो टाइम होता है ना, फिर भी आपको क्लास दे रहे हैं। और आपको पता है कि भाई उस समय इससे एक महीने पहले कितने लाइव व्यूज आ रहे थे, फिर भी इस वक्त क्या हालात है, फिर भी आपको किस कंडीशन में आपको दे रहे हैं क्लास वो आप जानते होंगे दोस्तों। तो आप भी शेयर वगैरह किया करें, और आपको भी डेली लाइव सुबह शाम आना चाहिए, ये आप सभी से रिक्वेस्ट है। और जो भी प्यारे भाई बहन नए जुड़े सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को साहब, है ना, ताकि आपको डेली इसका नोटिफिकेशन भी मिल सके और जो भी क्लास आती है हमारी सुबह। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज की क्लास के बारे में फीडबैक भी जरूर लिखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।